अस्सलाम वालेकुम सर सर मेरा नाम पलव्रा है एंड आई एम फ्रॉम लक्की मरोर एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे फॉर्ड एंड माई उर्दू प्लीज मैं पश्ता स्पीकिंग हूँ सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है वहाँ ख़वा घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते हैं और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को तो सर वहाँ पे जाते हैं रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग अजतमा भी हो गया सर वहाँ पर और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्टम के मद्दनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूवेयर विस्टम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन एडल्ट्री पीडो फाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ एक, एक okay, सर, सर... तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों को हो रही है एंड हमारे इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते को. का सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो बहुत इस्लामिक खन हैं वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए हाँ के नहीं आप निकलते जरूरत के बिना बाहर कोई निकलता है यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है होता है लेकिन वहां

सर ये कह रही हूँ कि वही पीडो फाइल सुनिए भाई भाई बहन बहन आपने सवाल पूछा सर आप, आप खामोश रहेंगी आपने सवाल खत्म हो गया ना मेरा जवाब सुनना चाहती क्या जी सर आप सुनना चाहती क्या नहीं जी सर तो आपका सवाल खत्म अभी मेरा जवाब सुनिए आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रोडिक्शन है आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडो फाइल है दोनों में टकरा रहे कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है मुमकिन ही नहीं है आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है पहले बार या दूसरे बार हां क्या नहीं? सिंपल मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है पीडोफाइल है पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकते कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है कुरान मजीद में लिखा है कौन सा चैप्टर है कौन सा का पीडो फाइल करना चाहिए कौन से आदीस में लिखे है आपका ये कहना या पहले बार गलत है या दूसरे बार दोनों बार तो सही इसीलिए आपके सवाल में तकरार है आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बौद्ध इस्लामिक है, तो मानूंगा ये बोलना इस्लामिक है खुदी बाहर निकलते जरूरत के बिना आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत की बेरा ये तो प्रॉब्लम है क्या जरूरत है पिटोफिलिया इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले दस बार सोचो अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन आपको माफी मांगना चाहिए क्या आपका सवाल गलत है आ, सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म ओके okay, सर मेरे सवाल की नौत गलत है नौत गलत नहीं सवाल गलत है आप गलत है आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया दोनों गलत है दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा दिस इज कॉल ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ दिना करो तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है इल्जाम लगाओ सवाल पूछो कुछ भी दो कुरान मजिद में लिखा है सोरे हुजुरात में कुरान नंबर उन पचास फोर्टी नाइन आयत नंबर छह जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहक करो उसे दोहराने के पहले आप सारे मजबे में दोहरा रहे हैं हजारों का मजमा है बीस हजार पच्चीस हजार और आप ये कह रहे मेरा इस्लामिक माशरा है फिर खोजे पीठ फेलिया आप इस्लाम पे तोमत लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे ये होता है गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है ओ कैन यू द नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सवाल माइक ओपन कीजिएगा साइड वाला माइक ओपन कीजिएगाकुम माई नेम इज अब्दुल बासित रिंद। आई एम ए सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर I'm having millions of followers different डिफरेंट uh, on ऑन डिफरेंट प्लेटफार्मस सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे मैं एक मासूम बच्चा मुझे तो कुछ भी नहीं पता मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मैं मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे एक मासूम बच्चा उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है रिलीजन क्या है और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है वो बहुत ही अच्छा बंदा है वो लोगों की मदद भी करता है ख़्याल भी करता है बहुत नाइस इंसान है लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इन जस्टिस है भाई साहब अपने नाम क्या आपका अब्दुल 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 बासित रिंध. बासित रिंध. रिंध. रिंध a, uh, बलोची कास्ट रिंध। रिंध। है मेरा रिंध। रिंध। भाई बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ मेरे वालदे मुसलमान थे और है आपने उ... है। है, थे बोला लेकिन ना रिकॉर्डिंग है मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ है मुसलमान है जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे हिंदू बन गए अब्दुल बासिद ने कहा जो मेरे वाले ने कहा मैंने मान लिया अब्दुल बासिद अगर आपके वालदेन आज कहते दो जमा दो पांच आप मानेंगे नहीं मानूंगा तो यह बोलना कि जो वालदे ने कहा, मैं मान गया सही नहीं है जब तक